ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडी संसदीय क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार सेवानिवृत्त कर्नल ठाकुर सिंह ने कहा है कि वे मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं और चाहते हैं कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन मंडी संसदीय सीट से भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराकर संसद में पहुंचना उनका प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनके खुद के घर में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार सेवानिवृत्त कर्नल ठाकुर सिंह ने कहा कि वे मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित हैं और चाहते हैं कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन मंडी संसदीय सीट से भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराकर संसद में पहुंचना उनका प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि वे संसद में पहुंचकर नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के जडोली निवासी कर्नल ठाकुर सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि अगर सांसदों और विधायकों को वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान है तो फिर मतदाताओं को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि वे संसद में प्राइवेट बिल के तहत वोटरशिप भत्ते के रूप में कम से कम 6,000 रुपये प्रति माह देने की मांग उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्राजील जैसे यूरोपीय देश में ये व्यवस्था है, वहीं पर अनेक यूरोपीय देश अपने नागरिकों को इस तरह के भत्ते देते हैं। भारत में जल, जंगल और जमीन पर सरकार का मालिकाना हक है, इसके दोहन से ये व्यवस्था की जा सकती है। उसी प्रकार हिमाचल की नदियों के पानी से पंजाब और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान की धरती लहरा उठी है, मगर हिमाचल के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था सही नहीं है, जबकि यहाँ पर इस पानी को लिफ्ट कर ऊंचाई पर टैंक बनाकर सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके करने से बागवानी और कृषि के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि 4 लेन विस्थापितों को फैक्टर 2 मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। इसी प्रकार GST 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। इसमें जो इंक्रीमेंट कम है उसको रिव्यू करने की हर साल का प्रावधान किया जाए। आयकर सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख होनी चाहिए। आवारा पशुओं के लिए कारगर नीति बनाई जानी चाहिए, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। इसके अलावा देश के दूसरे सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र से 2 सांसद भेजने की मांग भी उन्होंने उठाई। मैं मोदी का बहुत ही बड़ा समर्थक हूँ। मोदी जी की सारी योजनाओं पॉलिसियों का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ इसलिए कि आज मेरे पास पानी नहीं है, मेरी ज़मीन पर पानी नहीं है और मंडी में पानी की कमी नहीं है। ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट का पानी हमारी धार के नीचे से होता हुआ जा रहा है, हमारा सारा पानी सूख गया है, तो आज मेरे पास पानी नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, जो 4 लेन रोड निकल रहा है इसमें हमारी ज़मीन, मेरा घर उसमें धराशायी हुआ है, उसमें फैक्ट्री लगी हुई थी जो आज भी सड़क के नीचे दबी हुई है, अगर उसको उखाड़ेंगे तो पूरी फैक्ट्री वैसे के वैसे निकल आएगी, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। मैं खुद पीड़ित हूँ। जहाँ तक 1 रैंक 1 पेंशन का सवाल है, मैं एक्स सर्विस मैन भी हूँ, तो उसमें भी कुछ कमियाँ हैं, वो भी मैं दूर करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है कैमरा जो आप पकड़े हुए हैं। वैसे मेरा जो उनके इनडायरेक्ट वोट है यहाँ के MP को, वो नहीं है, वो वोट मैं अपने आप को दूंगा, मोदी जी को अदरवाइज मेरा पूरा समर्थन जब मैं जीतूंगा पार्लियामेंट में जाकर के उनको पूरा समर्थन रहेगा और कोशिश करूंगा कि वो इस राष्ट्र को मजबूत करें और इस व्यवस्था को बदलें। राम स्वरूप जी ने यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया, हम उनको न देखे हैं, न मिले हैं, न हमारे एरिया में कभी आए हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मैं जीतूंगा तो मैं हर पंचायत में, हर गाँव में कम से कम एक बार जरूर जाऊं। तहसील में तो मेरी मीटिंग हर महीने होनी है, डिस्ट्रिक्ट में हर 15 दिन में होनी है सेशन के अलावा। ये मैं इंश्योर करूंगा कि मैं पब्लिक के टच में रहूं, जैसे मोदी साहब पब्लिक के टच में गुजरात में रहे। जो वंशवाद है, परिवारवाद है, इस पे मैं नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि भाई मेरिट पे पीछे मेरिट पे लड़के आगे आए और वो जो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इस काम को करें। वो जो अपने परिवार की तरफ से आते हैं उनका मैं समर्थन नहीं करता हूँ।